बोलो सीताराम तो कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु। और सुदामा जी हमेशा प्रसन्नतात्मा प्रसन्न रहते, कभी दुखी नहीं होते। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत लिया। इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? सुशीला। क्या नाम था? यथा नाम तथा गुण। नाम सुशीला, सुशील स्वभाव की, और नाम का बड़ा प्रभाव है। कई माताओं का नाम होता शांति बाई, जहां जाती क्रांति फैलाती जाती। कई माताओं का नाम होता रोशनी, जहां जाती अंधेरा मचाती जाती। नाम भी विचित्र होते हैं, नाम का बड़ा प्रभाव होता है। एक हमारा चेला था, एक जगह कथा कर रहे थे हमारे यहाँ में। हमने उस चेला मोटे लड़का पे पूछा, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? बोला, गुरुजी हमारा नाम है टुक टुक। अब बताओ ये कोई नाम है? टुक टुक। लेकिन राम बचाए कहे क्या दे, ठीक है भाई तुम्हारा नाम। बेटा ये टुक टुक कौन से पंचांग से निकला, कौन से गुरुजी ने बताया, जरा नाम पता तो बताओ। तो उसकी माँ से पूछा कि क्यों बेटा ये बालक का नाम तुमने टुक टुक कैसे रखा? बोले गुरुजी मोबाइल पे देखकर। हमने कहा फिर तो इसका नाम घड़ी रखो, टुक टुक क्यों हो, घड़ी रख दो। नाम भी बड़े विचित्र। एक जन का नाम था शेर सिंह, क्या नाम था? बाप का नाम बोले शमशेर सिंह, खुद का नाम शेर सिंह, बाप का नाम बोले शमशेर सिंह। कंधे पर क्या है? बोले बंदूक। शरीर कितना? बोले 6 फुट का। वजन कितना? बोले 250 किलो, 250 केजी। अच्छा बोले खड़े क्यों? बोले कुत्ता भौंक रहा। नाम शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, वजन शरीर का वजन 250 केजी और कंधे पे बंदूक, डर इसीलिए रहे क्योंकि कुत्ता भौंक रहा। अरे भाई नाम बदलो तुम। बोलो सीताराम, नाम की बड़ी महिमा है। नाम हमेशा ऐसा रखो कि जिसमें भगवान का भजन भी हो जाए और नाम भी हो जाए। हाँ, आप लोग यहां विदेशों में रहकर के हमने यहां ऐसे ऐसे नाम सुने, हमें आउते ही नहीं। आओ अब बता लो विचित्र नाम। एक का नाम था गिद्रो, नाम गिथ्रो, गिथ्रो गिथो ऐसा कुछ नाम था। कल ही मिला, हमने कहा व्हाट्स योर नेम, उसने ऐसा कुछ बताया, हमारा दिमाग खराब बन गया। हमने कहा जो भी हो सेम टू यू। तुम जो भी हो सेम टू यू। अब क्या बोल रहे, हम तो विदेश, आप लोग तो विदेश में रहते हो, हम निवेदन करेंगे मेरे पागलो, पागल तो हो गए ना। हाँ तो हम कहेंगे मेरे पागलो एक बात गांठ बांध लो, जब भी बेटा बेटी का नाम रखने का समय मिले अपने बेटे का नाम रखना गोपाल, गोविंद, माधव, राघव, राम, श्याम। बेटी के नाम रखने का मौका मिले तो बेटी का नाम रखना वृषभानु लली, राधिके, राधाजू, सीता, गीता, रामा, श्यामा, इन नामों को रखना। नाम के नाम भगवान का भजन का ये जो ये वैष्णव परिवार बैठा है ना, बिटिया कहां गई, नहीं लाए। इन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा राधिकी, शैल शैला राधिके, नाम रखा शैला राधिके। वैष्णव परिवार इनका देखो जरा, मस्तक पर इनके तिलक भी है और हाथ में गोमुखी भी है। नाम बिटिया का नाम बोले शैला राधे। विदेश में रहते, हिंदी कमाती लेकिन भाषा का विषय नहीं है, भगवान की भक्ति भावनाओं का विषय है। भगवान भाषा से कृपा नहीं करते, हमारे ठाकुर जी भावनाओं से कृपा करते हैं। बोलो सीताराम, सीताराम। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला, यथा नाम तथा गुण। एक साड़ी में पूरी जिंदगी निकाल दी, कभी पति से शिकायत नहीं। कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि जब तक पति के बैंक में पैसा तब तक साथ में, उसके बाद फुर। बोले क्या? बोले अब आई एम गो, हम जाएंगे दूसरी देखें। हाँ बोलो सीताराम। हाँ, अजय भाई समझ आ रही तुम्हें कथा? अजय भाई जी हैं केन्या से, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से। हैं?
ईस्ट अफ्रीका, पूर्व अफ्रीका से, केन्या से, और इनको हिंदी बोलनी नहीं आती, लेकिन ये कथा में हमेशा हंसते रहते हैं। हमें खुद नहीं समझ में आता कि इन्हें समझ में क्या आता है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा समझते हैं, लिटिल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आहा हा भैया, सुशीला जी बड़े सुशील स्वभाव की, जिंदगी अभाव में, बुरा मत माने मेरे पागलो, जिंदगी भले ही अभाव में बीत जाए नो प्रॉब्लम, पर भगवान के भाव में जरूर बीतनी चाहिए। और हम तो करोड़ों की बात बोलते हैं, अभाव में जितना भजन हो जाता है उतना प्रभाव में नहीं होता है। और एक करोड़ों की बात बोले, किसी को अपना प्रभाव में मत बनाओ। तुम्हारे पास पद है, प्रतिष्ठा है, तुम्हारी पहुंच है, नाम है, पैसा है, तो किसी भी व्यक्ति को प्रभाव में अपना मत बनाना। किसी भी व्यक्ति को प्रभाव में अपना बनाओगे तो वो तब तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक तुम्हारा प्रभाव रहेगा। किसी को बनाना तो अपने स्वभाव में अपना बनाना, स्वभाव तब तक रहेगा जब तक दांत रहेंगे। किसी को अपना बनाना तो किस में बनाना, हम तो जैसे हैं। हमसे कई लोग कहते हैं, ये बच्चे सब कहने लगते हैं, हमारे चाचा भी कहने लगे, चाचा कहने लगे, चाचा जी आप छतरपुर विधायक हैं और इस पूरी यात्रा में हमारे साथ रहे। पहली बार हम विदेश आए तो चाचा जी बोले कि नो प्रॉब्लम, वहाँ MLA हैं ये, हाँ बागेश्वर धाम के अच्छे सहयोगी हैं। हमने कहा चाचा हम जा रहे हैं विदेश, पहली बार जा रहे हैं। चाचा बोले नो प्रॉब्लम, हम चल रहे सुरक्षा गार्ड में। हाँ, बोले आपको कुछ नहीं होगा, हम साकुशल। हम तो डर रहे थे कि पता नहीं यहाँ खाने को क्या मिलेगा। और आने के पहले हम बहुत सोचत रहे, आपसे भी हमने बात करी, हमने कि हम जा तो रहे कहीं अंग्रेज पीछे ना पड़ जाएं। हाँ, और कहीं कोई भोजन में ऊट पटांग ना धर दे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो हमने चाचा जी से कहा, चाचा जी चल तो रहे, पता नहीं क्या होगा। चाचा जी बोले नो प्रॉब्लम, हम चल रहे। हम सब व्यवस्था करेंगे। वहां से आप जो है हमें ले आए, अब भगवान की कृपा से साकुशल ले जा रहे हैं। तो आप लोग कई बार कहने लगते हैं कि आप गंभीर रहा करो, आप एक पीठाधीश्वर हो, एक भारत के एक आचार्य हो, कथाव्यास हो। हम कहने लगते हैं कि हमसे गंभीरता आती नहीं है, जैसे हैं सो हैं। चाहे हम कमरे में रहे, गाड़ी में रहे तो ऐसे ही, और कथा मंच पे तो ऐसे ही। हमारा स्वभाव बदल ही नहीं पाता, क्योंकि दो मुंह नहीं है हमारे, तो एक ही मुंह है। और खतरा उस व्यक्ति है जिसके दो मुंह है। कई लोग देखेंगे तो ऐसे बन जाएंगे, नो नो नो, या या या, या। ओके ओके, एब्सोल्युटली राइट, नाइस टू यू, बाय। अकेले में छठरी के बरे पानी नहीं लावा, ले आ पानी की। थोड़ी देर पहले ये मंच पे नो 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 नो, अभी थोड़ी देर पहले ये मंच पे नो नो कर रहा था, और घर पे नहीं 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 नहीं। हम यही कहेंगे, जिंदगी में हम जैसे हैं सो हैं, बदलना नहीं चाहिए। भगवान को निश्चलता प्रिय है। लोग कहते हैं कि आपके ऊपर गुरुजी की इतनी कृपा क्यों है, लोग कहते हैं कि आपके पास ऐसी सिद्धियां कैसे आ गईं, लोग कहते हैं कि आप बागेश्वर धाम के इतनी जल्दी आपने लाखों करोड़ों लोगों को कैसे जोड़ दिया। हम कहते हैं ये हमारी क्षमता नहीं है, हमारे गुरु की कृपा है। तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम्हें हो तुम्हें मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्हें हाँ मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्हें। सच है, भगवान है सब कुछ भैया, हम तो कुछ भी नहीं। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छेद न भा। भगवान को निर्मल मन प्रिय है। जिसका मन एकदम निर्मल होता है ना, भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। और एक बात और है, बनावटी आदत में कई लोग बनावटी मुस्कुराहट करते हैं, ऐसे भले ही गाल दर्द करने लगे,
भले ही पीड़ा हो लेगा। ये बनावटी क्या करना, अपने सहज में ले आओ। बनावटी चीजें ज्यादा देर टिकती नहीं है, झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं है, जीत तो सत्य की ही होती है। सत्य परेशान हो सकता परंतु परास्त, सुदामा जी जिंदगी में परेशान रहे लेकिन परास्त नहीं हुए। और सुदामा जी अगर सत्य छोड़ देते तो आज उनकी कोई कथा नहीं कहता। सुदामा जी सत्य पकड़े रहे तो लेस्टर के लंदन में, ये इंग्लैंड के लेस्टर में भी उनकी कथा हो रही है। ये है सत्य की जीत। लोग कहते हैं सत्य पर चलने वाला परेशान रहता है, जल्दी बहुत हैरान रहता है। हम कहते हैं परेशान जरूर रहता है पर महिमा उसी की होती है। और तुम भी अपनी जिंदगी में नाम कमाना चाहते हो, यश कमाना चाहते हो, तो झूठ का सहारा मत लो मेरे पागलो, परम तत्व परमात्मा श्री राम का सहारा लो, गोविंद का सहारा लो, तुम्हारा नाम दुनिया में हो जाएगा। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं प्रार्थना करूंगा, सुदामा जी ने कभी सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य को पकड़े रहे। और मैं निवेदन करूंगा, तुम लोग यहाँ रहते तो आप कहोगे महाराज अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो यहाँ मारे जाएंगे, हम यही कहेंगे तुम सत्य बोलो बचाने वाला भी तुम्हारे साथ रहेगा। और कथा से कुछ ना कुछ सीख कर, ऐसी तो नहीं तो तुमने कितनी कथाएं नहीं सुन ली, कितनी बार भागवतों में नहीं बैठ लिया, क्या कुछ हुआ तुम्हारी जिंदगी में? नहीं, यही फिर होगा। क्यों? क्योंकि तुम सुनते हो, ताली बजाते हो, सात दिन राधे राधे, फिर आधे आधे, आधे आधे। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होता है, तुम्हारी जिंदगी में कोई कृपा नहीं होती। हम यही प्रार्थना करेंगे, कथा मत सुनो, कथा से कुछ सीख कर जाओ, उसको सीख करके जिंदगी में उतारो, देखोगे कि तुम्हारे साथ हर पल चमत्कार हो रहा है। मानते तो हो, और विचित्र बात यह कि 2.5 किलो का तुम सर तो हलाते, 5 ग्राम की जीव नहीं। हम यही कहेंगे 2.5 किलो का सिर हिला रहे हो, या, या, या। 5 ग्राम की जीभ भी हिलाओ, राधा 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 राधा, सोई कल्याण हो जाएगा। सुदामा जी की पत्नी ने एक साड़ी में पूरा जिंदगी निकाल दिया, 4 संतानें थी सुदामा के, भूख की ऐसी दुर्दशा। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता भैया, ये दुनिया तो अमीरों की है। जब गरीबी होती है तो लोग आमंत्रण कार्ड तक नहीं देते, न्योता भी नहीं देते कि कहीं ये फटे कपड़े पहन कर ना आ जाए। गरीबी भैया बहुत बेकार होती, जिसने देखी वही जानता। गरीबी से बड़ा अभिशाप कुछ भी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा भैया, तुम किसी की मदद करना या ना करना, यहाँ की महारानी क्वीन के महोत्सव में जा पाना या ना जा पाना, पर कोई यहाँ का गरीब, चाहे वो अंग्रेज हो, कोई भी हो, उसके घर पर शादी हो, बहुत गरीब हो, उसका कोई ना हो, उसके घर पर जरूर जाना। अमीरों के तो न्योते में सबको ही पहुंच जाता है, कौन नहीं पहुंच जाता, लाखों के गिफ्ट लेकर चला जाता। उस पिता से पूछो जिस पिता के पास 5 रुपया नहीं होते हो अपनी बेटी की शादी करनी, उसके दिल पर क्या गुजरती, वो तो पिता जानता है। रातों भर सोते नहीं, त्योहार आते हैं तो कुछ खाते नहीं, सबके त्योहार आते हैं तो तरह तरह के पकवान बनते, गरीबों के त्योहारों में तो पूरी भी नहीं बनता। गरीबों का कोई नहीं होता भैया, नहीं दरिद्र सब दुख जगमाए। इस संसार में गरीबी से बड़ा कोई भी दुख नहीं। और आज भी लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, रहने को मकान नहीं है। भैया हम किसी और की बात नहीं, अपने जिंदगी का निज अनुभव बता रहे हैं। गरीबी क्या होती कोई नहीं पूछता। आज जरूर सब बड़े बड़े रिश्ते बताते हैं कि हम आपके फलाने हैं, हम आपके रिश्ते में ये के ये लग रहे, कोई कह रहा हम आपके ये रिश्तेदार लगते हैं। दूर दूर के रिश्तेदार भी आज सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज संस्कार टीवी पर कथा आ रही, आज लाखों लोग जुड़ गए हैं, आज रिश्तेदार बन गए। कोई नहीं था उस जमाने में जब हम अपने गांव में जहां रहते थे, गड़ा में, जहां बागेश्वर धाम है, भैया हमने 3-3 दिन तक
पार्ले जी की एक एक बिस्कुट खा के गुजारा। गांव में हम ब्राह्मण थे, गांव के ब्राह्मण हैं आज भी, तो ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगना। हमसे छोटे भाई थे, भाई से छोटी बहन, पिताजी कुछ करते नहीं थे, घर घर भिक्षा मांगी हमने। उससे जो मिलता था उससे फिर हमारी माँ रोटी बनाती थी, पेट भरता था। भैया कोई किसी का नहीं होता। उस जमाने की घटना हमें बहुत याद आती है। अब तो गुजर गया, बालाजी हाथ पकड़े हैं, कृपा किए हैं, इसीलिए तो हमने बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा शुरू की है। इसीलिए प्रतिदिन निःशुल्क भंडारा इसीलिए करवाते हैं कि जिनके घर पर भोजन नहीं है अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ बागेश्वर धाम आना पड़ेगा। हमको वृंदावन पढ़ने जाना था उस जमाने में। वृंदावन पढ़ने के लिए उस जमाने में हमें 500 रुपया उधार नहीं मिले थे, क्योंकि उधारी भी आज के जमाने में उसी को दी जाती है जो अमीर होता है। गरीबों को उधारी नहीं मिलती है, क्योंकि ये कहां से चुका पाएगा। और कोई किसी का नहीं होता। वो अंधेरी रात है, तो एकांत में रहना, वो सुने दिन भैया कोई किसी। सत्यनारायण बाँचते थे हम अपने गांव में, तो सत्यनारायण बाँचने से हमें जो मिल जाता था तो हमारे घर पर 4 या 5 रुपया मिलते थे हमें उस जमाने में। सत्यनारायण की भारतीय मुद्रा 5 रुपया, 3 रुपया 5 रुपया मिलते थे। 5 रुपये की सत्यनारायण बाँच के आए तो हमारे घर में त्योहार मनता था। 1 रुपये की शक्कर, 1 रुपये की चाय पत्ती, 2 रुपये का पार्ले जी, चाय बन गई, पार्ले जी खप गया। जिंदगी बहुत रंग दिखाती है पागलो, कोई किसी का नहीं होता। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। रिश्तेदार भी पूछते नहीं कहीं ये पैसा ना मांगे, अपने भी साथ नहीं देते, कोई किसी का नहीं। गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है, गरीबी में तो सिर्फ भगवान होते हैं। गरीबी क्यों होती तो भैया सिर्फ ईश्वर होते हैं। वो कैसे जीता वो तो एक गरीब जानता है। कपड़े फटे, 1-1 रुपया, और जितनी श्रद्धा जितनी भावना गरीबों में होती उतना अमीरों में नहीं होती। तो किसी गरीब के बेटी के विवाह में 5,000 रुपया दे देना, वो कुर्सी पर बैठाएगा, स्वागत करेगा, बार बार पूछेगा आप ठीक है ना। किसी अमीर के यहां तुम 1 लाख का भी दे देना, वो पूछेगा नहीं, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है। जिंदगी बहुत रंग दिखाती है। सुदामा जी के 4 पुत्र थे। सुदामा जी का नियम था 5 घरों पर भिक्षा मांगना। पांच घरों पर सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते थे। कभी कुछ मिल जाए, कभी कुछ मिल जाए। ला करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। बच्चों को पूर्णतया भरपेट भोजन नहीं मिलता था तो वो सूख कैसे हो गए। सुदामा की पत्नी सुशीला रोज झूठ बोले, पूछे मां भूख लगी है भोजन मिलेगा क्या। सुशीला कहती, बेटा आज एकादशी है, मां कल भी तो एकादशी थी। बेचारी सुशीला झूठ बोली, बेटा आज एकादशी का अंश रह गया, बच्चे फिर लेट जाएं सो जाएं। सुशीला एकांत में जाकर के फूट फूट कर रोई कि मैं संसार की कितनी अभागिन मां, अपने बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं करवा पा रही, कितनी अभागिन।
चारों बच्चे सूख के ऐसे हो गए, हड्डियां निकल आई, आंखें धस गई चारों बच्चों की, चलने में कंपन होने लगा। कभी कभी परमात्मा भी विचित्र परीक्षा लेते हैं। सुदामा जी एक दिन फिर भिक्षा मांगने गए, कुछ नहीं मिला। वापिस आए, पत्नी ने पूछा महाराज कुछ मिला? सुदामा जी बोले आज फिर सभी दरवाजे बंद रहे। अब तो रो पड़ी सुशीला, आज बच्चों को क्या जवाब देंगे। बच्चे दौड़े दौड़े आए, मां पिताजी आ गए, भूख लगी, भोजन मिलेगा क्या? कल तो एकादशी थी, आज तो द्वादशी है ना मां, आज तो द्वादशी है ना। सुशीला मुंह टेढ़ा कर लेती, आंखें भर आती सुशीला की, थबक थबक करके रोने लगती सुशीला। सुशीला जल का पात्र लेती, एक तुलसी दल लेती, बच्चों के मुख में तुलसी दल डाल करके जल पिलाती, कहती बेटा आज भी एकादशी है। चिल्ला पड़ते बच्चे, मां आखिर मेरी जिंदगी में एकादशी कब तक रहेगी, कभी भोजन मिलेगा कि नहीं। बच्चे चक्कर खाकर के गिर पड़ते हैं। दुनिया तो गरीबों का मजा लेती है, घर वाले तो तमाशा देखते हैं। देखो कैसी भी थी इस पर, अपने तो मजा लेते हैं, अपने तो गिड़गड़ाने के लिए तरसते हैं कि हमारे पास गिड़गड़ाए, हमारी गुलामी करें। भैया हम फिर कहेंगे गरीबों का सिर्फ परमात्मा होता है, सिर्फ परमात्मा। और तुम किसी का साथ देना या ना देना, किसी अमीरों की शादियों में जाना या ना जाना, पर हम निवेदन करेंगे जिस पिता के पास खाने को ना हो उसकी बेटी की शादी हो तो उसके घर जरूर बिना बुलाए जाए। उस पिता से पूछो उस पर क्या बीती। आज तो सुशीला बड़ी हैरान है, आज बच्चों के सिरहाने पर बैठी सुशीला पानी का पात्र भरे रखी है और अपने साड़ी के पल्लू से साड़ी के पल्लू को भिंगो करके बच्चों के होंठों पर लगा रही, कहीं बच्चों का मुंह ना चिबक जाए, कहीं बच्चे मर ना जाए भूख के मारे। 3 दिन हो गए, तीसरे दिन सुदामा जी मांगने गए तो चावल मिले थोड़े से। चावल लेकर के आए, सुशीला ने जल्दी जल्दी बनाए, आज तो बच्चे खुश हैं, बैठ गए उठकर, मां आज कुछ बन रहा है? हाँ बेटा आज महाप्रसाद है जगन्नाथ जी का, मां जल्दी करो। तब तक दरवाजे पर आवाज आई भिक्षाम देही, महात्मा आ गए, महात्मा आए, आइए भगवान। सुदामा जी ने स्वागत किया, कुछ मिलेगा क्या साधु को? महाराज घर पर आओ तो कुछ नहीं है, थोड़े से चावल बने हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो वही पवा दें। वो साधु को पवा दिए। अब तो घर में विचित्र स्थिति, कोने में जाकर के अब तो सुशीला फूट फूट कर रोने लगी। हाय महादुख पायो मैंने, हे गोविंद मैंने कौन सो ऐसा अपराध करो, मैं संसार की सबसे अभागनी मां हूंगी, ऐसी मां हूं मैं अभागनी, जिस अभागनी मां के पुत्र को भरपेट, अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं करवा पा रही। तो सच कहें संसार के ऐसे कोई मां बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों के लिए अपने जी जान ना लगा दे। मैं निवेदन करूंगा बच्चों, आज तुम लोग जरूर बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, बहुत नाम हो गया तुम्हारा, तुम इंग्लैंड में आकर बस गए, पर इसके पीछे पूरी मेहनत तुम्हारे मां बाप की है। उन्होंने कितना संघर्ष नहीं किया, रातों भर खेतों में गए, काम किया, मां ने रात भर जाग जाग करके तुम्हें पाला पोसा, तैयारी की,
ताकि हमारी बेटी हमारा बेटा पढ़ जाए और बढ़ जाए, ये कुछ बड़ा करवे, ताकि हमने जो भोगा ये बच्चों को ना भोगने पड़े, हमारे बच्चे हमें प्रसन्नता दें, हमें खुशी दें। और हम निवेदन करेंगे उन माँ बाप के कामों पर, उनके सपनों पर तुम पानी मत फेर देना। बड़े हो जाओ ना, माँ बाप को जरूर तुम धन्यवाद देना, उनको अपने साथ रखना, जितना तुम घूमते उससे कहीं ज्यादा अपने माँ बाप को घुमाना। क्योंकि जिंदगी में असली भगवान है माँ बाप, जिंदगी में जीते परमात्मा है माँ बाप। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए आज पहली बार। सुशीला को वो महात्मा बता करके गए कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश है। तो सुशीला ने धीरे से कहा, सरकार स्वामी हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश है। हाँ है, तो तुम्हें किसने बताया? तो जो महात्मा आज आए थे ना उन्होंने। अच्छा, तो हमने सुना वो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, तुम जाओ वो कुछ ना कुछ देंगे। भैया हम अपना निज अनुभव बता रहे हैं, हमारे जीवन में सफलता का मूल मंत्र है परमात्मा की आशा रखना। हमने संसार में आशा नहीं की, हमने अपनी पूरी जिंदगी में अपने बागेश्वर बालाजी पर विश्वास किया, उनसे आशा की। उनकी कृपा का प्रसाद है कि हर महीने में 3 से 4 लाख लोग बागेश्वर धाम पर निशुल्क भंडारा पाते, उनकी कृपा का प्रसाद है। हम क्यों कथाएं करते हैं? हम कथाएं नाम कमाने के लिए नहीं कर रहे, इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि कथाएं करके हमारा नाम हो या पैसा कमाए। हम सिर्फ इसलिए कथाएं कर रहे हैं कि हम भी भक्ति से जुड़े और लोगों को भी भगवान से जोड़े, और जो भी मिले उससे गरीब बेटियों का विवाह हो सके। जो हमने भोगा वो किसी को ना भोगना पड़े, जो हमने कष्ट सहे अब वो किसी को ना सहने पड़े। और मैं फिर कहूंगा, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों से तुम्हारी जिंदगी में कोई ना हो तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है, चले आना। जो नाता ना हो जिससे तुम्हें जिंदगी में परेशानी हो, कभी मत तुम हैरान होना, जब तुम्हें मौका मिले बागेश्वर धाम चले आना, तुम्हारे लिए खुला है वहां का दरवाजा। भोजन भी मिलेगा, भजन भी मिलेगा, चले आना। नाथ हमने सुना कि आपके मित्र भगवान द्वारकाधीश हैं। हाँ है, तो जाओ ना द्वारका, जाओ जो द्वारका, जाओ जो द्वारका, जाओ। तो सुदामा ने कहा, देवी मित्र के घर, राजा के घर, भगवान के घर, गुरु के घर और श्रेष्ठ के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो सुदामा ने कहा, देवी मित्र के घर, राजा के घर, भगवान के घर, गुरु के घर और श्रेष्ठ के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। हमें जाऊं तो, पर हम पे तो कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा, नाथ आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला 2-3 घरों से थोड़े से चावल मांग लाती उधार। कपड़ा तो था नहीं, बर्तन तो थे नहीं, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया, उसमें साड़ी के पल्लू में वो चावल बांध दिए, पोटली बांध दी, ये दे देना भेंट में। और सुनो जाना, और जब आने लगो तो भगवान को हमारा एक संदेशा दे देना। क्या? 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 एकादशी होती है। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन हो। भगवान से कह देना 1 महीने में 2 पक्ष होते, 2 एकादशी होती है, लेकिन द्वारकाधीश तुम्हारी तो ऐसी कृपा है कि हमारे घर पे तो रोज एकादशी, कभी द्वादशी आएगी कि नहीं, इतना कह देना। सुदामा जी चल पड़े।